फनकारों से, नहीं है ऐसा गजल का कहना पूछो इन फनकारों से, ये सब लोहा काट रहे हैं कागज की तलवारों से। दोस्तों थोड़ा मुतवज्जे हो जाए, मुशायरा शुरू हुआ चाहता है। मैं माहौल बनाने की कोशिश करता हूँ इन नज्म पढ़कर कि सियासत इस वतन की इस कदर गंदी न थी पहले, रिदाए मादरे हिंदू सीता मैली न थी पहले, मगर पहले सियासत में लफंगे भी ना आए थे, गली के चोर उचक के जेब कतरे भी ना आए थे, शरीफ इंसान जो होता था पहनता था वही खद्दर, जो बाइज्जत हुआ करता था बनता था वही लीडर। मगर अब तो शरीफ इंसान की गुंजाइश बहुत कम है, सियासत में वही आता है जिसके हाथ में बम है। सियासत एक मासूम और पाकीजा लड़की थी, बड़े बूढ़ों की आंखों का तारा बनके रहती थी, मगर कमजर्फ इंसानों ने अजमत बेच दी इसकी, बराए फायदा कोठे पे इज्जत बेच दी इसकी, हवस की आग ने बेदाग दामन को जला डाला कि चंद बदकिरदार लोगों ने इसे रंडी बना डाला। दोस्तों मैं ये बात बताता चलूं कि जब आप चलने दो, हम जब टीवी पर मैच देखते हैं, थोड़ा इत्मीनान बना ले आप, मैं जो बोलने जा रहा हूँ वो बात गौर से समाप्त करें कि जब हम टीवी पर मैच देखते हैं तो हमें ये फिक्र लाहक होती है कि ओपनर बैट्समैन कौन है, ताकि अच्छा स्कोर देकर मैच अच्छा स्कोर खड़ा हो सके। लेकिन मुशायरों में यह समझा जाता है कि पहला शायर कौन है, ये बात गलत है। मुशायरे के डाइस का पहला शायर मैच का वो ओपनर बल्लेबाज होता है जो अच्छा स्कोर देकर पूरे मुशायरे को संभालता है। मैं आज के इस डाइस के पहले शायर वसीम आतिश को इन मिसरों से आवाज देता हूं कि तेरा हिज्र गवारा कर लूं क्या, खुद से भी किनारा कर लूं क्या, हर सिमत उदासी छाई है मैं इश्क दोबारा कर लूं क्या। वसीम आतिश, जोरदार तालियों के दरमियान आपके अपने बयार का शायर वसीम आतिश। एक मतलब इजाजत चाहता हूं कि तारीकियों से निकल के उजालों में आ गया, इको कम कर दो, तारीकियों से निकल के उजालों में आ गया, लिख के एक गजल मैं भी रिसालों में आ गया। क्या कहने, तारीकियों से निकल के उजालों में आ गया, लिख के एक गजल मैं भी रिसालों में आ गया, बड़े ही प्यार से परोसा था मेरी माने मुझे, मजा इसीलिए सूखे निवालों में आ गया। क्या कहने, मजा इसीलिए सूखे निवालों में आ गया, गर्दिश में एक दिन वो सितारा भी आएगा, सच्चे हैं अजम घर तो किनारा भी आएगा। क्या कहने, वाह 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 वाह, गर्दिश में एक दिन वो सितारा भी आएगा, सच्चे हैं अजम घर तो किनारा भी आएगा, और मासूमियत की चीख यहाँ चीखती रही, हमको यकी है कोई हमारा भी आएगा, हमको यकी है कोई हमारा भी आएगा, गर्दिश में एक दिन वो सितारा भी आएगा। हौसला अफजाई करें, जोरदार ताली से इस्तकबाल कर दीजिए वसीम आतिश साहब का। गर्दिश में एक दिन वो सितारा भी आएगा, सच्चे हैं अजम घर तो किनारा भी आएगा, और मासूमियत की चीख यहाँ चीखती रही, हमको यकी है कोई हमारा भी आएगा, हमको यकी है कोई हमारा भी आएगा। तवील फहरिस्त है, मैं मुकामी शायर हूँ जी, बिल्कुल इस बात का तो हमें ख्याल रखना चाहिए, तो मैं ख्याल रख ही रहा हूँ, हर वक्त इशारों में मुझे ही ख्याल रखना पड़ता है। अच्छा, ऐसा लग रहा है, जोरदार ताली से इजाजत दीजिए वसीम आतिश साहब को ये कलाम पेश, ऐसा लग रहा है कि मुझे ही ख्याल रखना पड़ता है। बढ़िया वसीम भाई। एक चलागाह के लिए घर को जलाते क्यों हो, गबलिया बेटा शेर सुन ले, एक चलागाह के लिए घर को जलाते क्यों हो, मेरी दुनिया को अंधेरों से मिलाते क्यों, क्या एक चलागाह के लिए घर को जलाते क्यों हो, मेरी दुनिया को अंधेरों से मिलाते क्यों हो, हमने खारों के एवज फूल दिए हैं तुमको, हमने खारों के एवज फूल दिए हैं तुमको, तुम हमारी राह में कांटों को बिछाते क्यों, क्या कहने वसीम भाई, खारों के एवज फूल दिए हैं, हमने खारों के एवज फूल दिए हैं तुमको, तुम हमारी राह में कांटों को बिछाते क्यों हो,
मैंने एक जुर्मे मोहब्बत की सजा पाई है। नहीं मैं शेर लिखी, एक जुर्मे मोहब्बत की सजा पाई है। एक नया इल्जाम मुझ पे लगाते क्यों? क्या कहने, एक नया इल्जाम मुझ पे लगाते क्यों? एक मतलब दोषी रजिस्टर चाहता हूँ, एक मतलब दोषी। अपनी तन्हाई को मैं सजाता रहा। क्या कहने, अपनी तन्हाई को मैं सजाता रहा और तस्वीर तेरी बनाता। इको भैया, इको इको जी, पढ़िए पढ़िए साहब। अपनी तन्हाई को मैं सजाता रहा और तस्वीर तेरी बनाता रहा।